ఎన్టీఏయుజీసీనే ఇవన్నీ నిమ్మజ్జినే. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर. दोस्तों, आज हम शिक्षण के अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें करने वाले हैं. टीचिंग की ये सभी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बेसिक चीज़ें जैसे कि टीचिंग की क्या क्या विशेषता है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या है और शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है. दोस्तों, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं आज तक और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना. दोस्तों, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं. इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन. जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं. इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे. इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं. दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग क्या है, यानी कि शिक्षण क्या है. इसको हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, टीचिंग के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो ये है दोस्तों, शिक्षण पूर्णतः एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है. अब देखिए, ये किस तरीके से है कि हम जो टीचिंग है वो कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं. इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्कूल में जाएँ तभी हम सीखेंगे, क्लास लगाएँ तभी हम सीखेंगे. जैसे कि हमने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है वो भी अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है. जब वो खेलता है, आता जाता है तो वो बहुत कुछ चीज़ें सीखता है. और अब देखिए, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो कभी ज़्यादा स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है क्योंकि वो समाज के अंदर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने टीचिंग ली है, यानी कि अपने आप उन्होंने सीखा है समाज को देख देख के. तो जो टीचिंग है, टीचिंग कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से हो सकती है. और अब देखिए, हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो वर्तमान में शिक्षण को त्रिध्रुवीय संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है. अब देखिए, अब यहाँ पे टीचिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. अब जैसे मैंने एक चीज़ तो बताई कि आपको हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, और दूसरा जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं दोस्तों, वो हम एक टीचर के थ्रू सीखते हैं. अब देखिए, अगर हम समाज में सीख रहे हैं, ठीक है, समाज में तो क्या है कि हम हो सकता है कि एक चीज़ है वो हो सकता है एक साल के अंदर जाके सीखे, यानी कि जब हम उसको एक्सपीरियंस करें तब जाके उसको हम सीखें. लेकिन दूसरा क्या है कि हम एक क्लास के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हमें टीचर बताएगा तो हम जल्दी सीख जाएंगे. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे. अब देखिए, अब यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हम रिसर्च का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. मैंने आपको रिसर्च करवाई, 10 दिन रिसर्च करवाई, तो उसमें आपको पता चल गया, पूरी की पूरी जो रिसर्च है वो आपको पता चल गई क्योंकि मैंने आपको टीच किया, एक टीचर के तरह मैंने आपको टीच किया तो वो आपको पता चल गई. और दूसरे तरीके से अगर आप वो अपने आप सीखने की कोशिश करते तो हो सकता है आप 50 वीडियो देखते, पता नहीं कितनी वीडियो देखते, हो सकता है वो चीज़ आपको 5 दिन में भी आ सकती थी और वो आपको 50 दिन में भी आ सकती थी, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी. लेकिन जब एक टीचर सिखाता है दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, एक टाइम लिमिट होती है और उसमें एक तरीका होता है सीखने का. तो एक्चुअल मायने में देखा जाए तो टीचिंग इसे कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से जो हमें कुछ सिखाए, कोई नई चीज़ें सिखाए या हमें इम्प्रूवमेंट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं. और टीचिंग के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, ये त्रिध्रुवीय माना जाता है और इसके अंदर 3 बातें मुख्य रूप से आती है. एक होता है शिक्षक भी आ सकता है, यानी कि जो हमें सिखा रहा है, यानी कि टीचर सबसे पहले आएगा, टीचर यानी कि जिससे हम सीख रहे हैं. अब टीचर ये नहीं है कि कोई आदमी हो, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वीडियो है या कुछ और चीज़ें हैं. यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि जो शिक्षण है, यानी कि जिससे हम सीख रहे हैं. दूसरा है शिक्षार्थी, यानी कि जो बंदा सीख रहा है वो हो गया. तीसरा आता है पाठ्यक्रम, सिखाने के प्रयास किए जाते हैं. यानी कि तीसरा चीज़ क्या है कि दोस्तों, हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है,
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पहले आया है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके अंदर और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ से दोस्तों आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने बताइए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताइए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ आती है दोस्तों कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब देखिए परिभाषा, टीचिंग की परिभाषा क्या है, इसमें से एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। ये हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में दिया है और ऊपर हमने हिंदी में दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, इसके अनुसार क्या है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ज्ञान कौशल और अभिरुचियों को या तो सिखाता है या फिर दूसरे से सीखता है, आदान प्रदान करता। अब अगली परिभाषा आती है दोस्तों हमारे पास एडमंड एमिडोन की। इनके अनुसार क्या है, शिक्षण एक अंत प्रक्रिया जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है और क्या होता है, जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। अब देखिए इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एक्चुअल मायने में क्या है। टीचिंग वो है जिसके अंदर हम किसी क्लास के अंदर बैठ के कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से हमें सिखा रहा है, तो वो क्या है, वो एक टीचिंग है। यही चीज़ इन्होंने कही है। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों आप देख लेना, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, थोड़ा सा ये पीडीएफ कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत, पता नहीं कैसे हो गई ये जो लाइन है यहाँ आ गई। चलो हम अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि शिक्षण, अब देखिए गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यानी कि शिक्षण के अंदर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना हम जिसको सिखा रहे हैं तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, यानी कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। और भी यहाँ पे दो और ये दी हुई है दोस्तों परिभाषा, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया, अगर कोई बात हिंदी में समझ में ना आए तो। अब बात आती है दोस्तों शिक्षण की विशेषताएं। अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए इसमें देखते हैं, शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। अभी जो हमने बात कही कि जो बच्चा है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि हमारा जो टीचिंग है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक एम होता है कि हमें क्या सिखाना है। ऐसे नहीं है कि मन में आया वही पढ़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया, शिक्षण जो है वो सोशली भी है और व्यावसायिक यानी कि जिससे हम कुछ अपना रोजगार उत्पन्न कर सकते वो भी है। शिक्षण के अंदर दोनों तरह की चीज़ें आती है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण से क्या है कि हमारा विकास होता है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। अब देखिए शिक्षण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी तर्क वितर्क होते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों नहीं है, इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट करने की जो हमारी संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा ओल्ड बात इन्होंने थोड़ी सी कह दी कि शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया पहले होता था, लेकिन आज के टाइम में हम जैसे कि मोबाइल से पढ़ सकते हैं। आप जैसे अब मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं मेरा दूसरा काम कर रहा हूँ। तो ये पहले की परिभाषा हम कह सकते हैं, पहले का गुण। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है, शिक्षण हमें अच्छे तरीके से डायरेक्शन देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होती है। फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, और इनफॉर्मल ये होते हैं कि जिसमें हम अच्छे से कम्युनिकेट ना करें। तो ये दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। क्योंकि अब देखिए जैसे कि मान के चलिए मैं आपको अभी YouTube के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ,
तो हो सकता है कई स्टूडेंट ये 1 मिनट की वीडियो देख के चला जाए, यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करे, और दूसरे है कि वो हो सकता है वो कमेंट भी करे, अच्छे से पढ़े भी, सारी चीज़ करे, तो वो होगी फॉर्मल। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। अब आगे आती है दोस्तों टीचिंग अवधारणा या फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि एडमस महोदय के अनुसार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है और इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया बताई है, तो हर जो थिंकर है उसकी अलग अलग डेफिनेशन हम कह सकते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है, कैसे कैसे प्रभावित होता है, इसमें देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अब देखिए, अब क्लास के अंदर बच्चे सभी तरह के होते हैं, बच्चे एक बच्चा कमज़ोर हो सकता है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, जिसको थोड़ा सा बताए वो बहुत कुछ सीख जाए, और दूसरा बच्चा जल्दी से ना सीखे, तो ये होगी व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण उद्देश्य, हमारा शिक्षण उद्देश्य भी होता है कि हमें क्लास में इन 10 बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये भी हो सकता है, हमारा उद्देश्य क्या है उससे भी। नियोजित कार्य की हम, ये भी हो सकता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है। अब देखिए, जैसे कि हम मान के चलते कि मैं कहूँ कि मेरी 2 दिन में एक वीडियो आएगी, तो वो क्या होगी, उससे हमारी जो टीचिंग है वो स्लो हो जाएगी। और वातावरण का प्रभाव, अब वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और साइड में बहुत शोर आ रहा है ट्रैफिक का और काफ़ी तरह का, तो काफ़ी डिस्टरबेंस होगी, अच्छे से टीचिंग नहीं होगी। शिक्षण की कुशलता, जो हमारा शिक्षक है जो हमें पढ़ा रहा है उसमें कितनी योग्यता है वो होगी। सहायक सामग्री का उपयोग, यानी कि जो टीचिंग यानी कि जो हम पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है उस पे भी हमारी टीचिंग डिपेंड करती है। अब देखिए शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सिद्धांत काफ़ी तरह के सिद्धांत है दोस्तों, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए शिक्षण जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, जो हमारा शिक्षण है वो हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे ज़िंदगी में आगे काम आए। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, यानी कि जिससे हमारा कुछ उद्देश्य पूरा होता हो ऐसी हमारी टीचिंग होनी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जिससे हम आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके, क्रियान्वित रहे, यानी कि क्रिएटिव रहे, ये हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी हम और लोगों से कुछ अलग बन सके, यानी कि जो लोग सीख नहीं रहे हैं उनसे ज़्यादा हमारे अंदर एडवांटेज आए, तो ये काफ़ी तरह की यहाँ पे सिद्धांत दिए दोस्तों, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इनमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिक्षण सूत्र में से क्वेश्चन आता है, 1-2 बार क्वेश्चन आया है कि इसका क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब देखिए हमें कोई चीज़ पता है, एक छोटी सी चीज़ पता है, और उस चीज़ को इस्तेमाल करके हम बड़ी चीज़ निकाल के लेके आए। अब हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, उसके अनुसार उसको वो एक छोटी सी चीज़ पता थी, उसके बाद हमने हवाई जहाज़ उड़ाया, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें थोड़ी सी पता है और उसके बेस पे हम बड़ी चीज़ खोजे तो उसे हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर है सरल से कठिन की ओर, अगर हम कोई काम सरल तरीके से कर रहे हैं और कोई दूसरा काम है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, तो ये है। प्रत्यक्ष से प्रोक्ष की ओर, अब देखिए प्रत्यक्ष और प्रोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है जो हमारे सामने बिल्कुल अच्छे से दिखे, यानी कि जो सच होता है ना, सच से असत्य की ओर हम ये चीज़ कह सकते हैं। संपूर्ण से अंश की ओर, यानी कि जो चीज़ हमें एक बड़ी चीज़ पता है, ठीक है, कि हवाई जहाज़ उड़ता है, तो उस हवाई जहाज़ में क्या क्या सिद्धांत लगे हैं, किस तरीके से उड़ता है, और उनके सिद्धांतों को यूज़ करके हम और अपने ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और नई डिवाइस बना सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों। और भी इसमें कई चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है। और
अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण उद्देश्य, यानी कि हमारा जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसका एम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। टीचिंग टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, अब ये बात हमने कितनी बार पढ़ ली दोस्तों कि हम टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ये कम से कम 3 बार आज तक आ चुका है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका सबसे मेन उद्देश्य है जो हम जिसे हम सिखा रहे हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, पॉजिटिव परिवर्तन आए, ठीक है। और ये है अगला हमारा टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, अब जो उसने जो आज तक पढ़ा है उसमें किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो है। आगे है ट्रेनिंग शार्पिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, अब देखिए जैसे हमारी ITI वगैरह होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं उनको, व्यावसायिक तरीके से हम चीज़ें बनाना सिखाते हैं, मोटर गाड़ी वगैरह ठीक करना सिखाते हैं, तो उनकी जो बिहेवियर है उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की हम उनके अंदर आदत डालते हैं कि किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया जाए। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीव, अब देखिए शिक्षण के द्वारा टीचिंग के द्वारा हम विश्वास जगाने की बात करते हैं। अब देखिए जो पहले जो होता था हमारे क्या होता था कि कोई भी जैसे बीमारी हो गई कुछ भी हो गया तो लोग सोचते थे कि इसमें तो भूत घुस गया है, इसमें तो ये हो गया, माता आ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उस टाइम लोग ये नहीं मानते थे कि ये एक बीमारी है। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो अंधविश्वास है वो ख़त्म होता जा रहा है और जो साइंस है उसके अंदर हमारा विश्वास बढ़ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ बिलीव यानी कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है टीचिंग के ज़रिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टीचिंग की कुछ मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।